हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास एमडीसी पेपर का, सेमेस्टर वन और सेमेस्टर थ्री। सेमेस्टर वन जिनका सेशन 23 से 27 है और सेमेस्टर थ्री जिनका सेशन 22 से 26 है, उनके लिए हम आपको बता दें एमडीसी का जो पेपर है इंग्लिश का, वो सेमेस्टर 1, 2, 3 के लिए सेम है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से टेंशन नहीं लेना है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे और हर चीज़ को 1 by 1 क्लियरली समझेंगे, ठीक है। और बस और 2 लेक्चर और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस समरी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं क्या कहता है, ताकि एक्स्ट्रा कुछ हो ऐसा हो जो आपको स्टोरी के थ्रू याद रहे। क्वेश्चन सर अगर आप भूल जाओ, बट स्टोरी अगर आपके माइंड में रहेगी तो आप बहुत अच्छे से उसके आंसर्स को क्लियरिफाई कर पाओगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ये जो स्टोरी है हमारा, हम इसको पढ़ेंगे रस्किन बॉन्ड का। ये शॉर्ट स्टोरीज है, ये हमारा यूनिट 2 है। यूनिट 1 में हमको 4 पढ़ना था। क्या पढ़ना था? 4 पोयम पढ़ना था। हम लोगों ने वो चारों पोयम को यूनिट 1 में कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। यूनिट 2 जिसमें 2 स्टोरी पढ़ना है, एक है फेस इन द डार्क और दूसरा भी है, तो दोनों स्टोरी को हम लोग करेंगे। शॉर्ट स्टोरीज है, उसके समरी को समझेंगे, हर एक उसमें क्या क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, वो सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक ड्रामा पढ़ेंगे, ड्रामा एक ही पढ़ना है और एक नॉन फिक्शन पढ़ना है, बस 2 लेक्चर और है। और एक ये मतलब एक स्टोरी के ऊपर और है, और 2 मतलब 3 लेक्चर इसके अलावा, ये लेक्चर के अलावा और 3 लेक्चर बचा हुआ है जिसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ए फेस इन द डार्क समरी। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपको कभी ऐसा कभी लगा है क्या, ऐसा कभी फील हुआ है कि मतलब आप कहीं पर जा रहे हो बहुत नॉर्मली, एकदम जैसे बाहुबली टाइप, एकदम अंदर से जोश आ रहा है, अरे हम तो ये काम कर ही लेंगे, लेकिन रियलिटी क्या होता है ना, घोस्ट स्टोरी। चलिए हम ऐसे बताते हैं, घोस्ट स्टोरी आप लोग देखे हो कभी, भूत का कहानी, जैसे भूत का सीरियल वगैरह फेयर फाइल्स देता है, फिर से आहट देता है कोई है, मतलब बहुत सारे सीरियल्स हैं भूत घोस्ट वाले, भूत वाले शो के। तो हम लोग देखते तो बोलते अरे हमको डर नहीं लगता है, हम तो देखेंगे। जैसे देखते हैं और जैसे डरावना सीन आता है ना हम लोग के सामने, अरे टीवी बंद करो ना, रिमोट कहाँ है, साउंड कम करो, ये करो वो करो, लाइट उस बीच में लाइट कट जाए तो क्या हो, सोचिए। जस्ट इमेजिन आप भूत का कहानी सुन रहे हो। अब तो बहुत लोग को नहीं डर लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमको अभी भी हम भूत का स्टोरी देखेंगे और लाइट कट जाए तो वहाँ से उठ के भाग जाएंगे, ठीक। तो एक बात बताइए कि अगर वैसा कुछ हो, सडनली लाइट कट जाए, बिजली कड़कने लगे, अजीब अजीब आवाज़ आने लगे, तो आप क्या कीजिएगा? जिसको नहीं भी डर लगता उसका, वो भी अपना कलेजा, उसका फेफड़ा, लीवर सब डैमेज होने लगेगा, ठीक, और वो वहाँ से उठ के भागने लगेगा। तो कुछ वैसा कंडीशंस होता है भाई, बिल्कुल होता है, मेरे साथ हुआ है तो इसलिए हम बता रहे हैं। जिसको नहीं, बोल तो रहे हैं आपसे कि जिसको नहीं भी डर लगता होगा, वो ऐसा कंडीशन अगर हो गया 100% गारंटी है कि वो डरेगा। हनुमान चालीसा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था, ठीक, हमको बहुत एक बार बहुत ज़्यादा टेंस थे हम, तो एक सॉन्ग सुन के सो रहे थे और सडनली क्या वो अजीब तरह का आवाज़ आने लगा, और उस दिन संजोग से भूत का शो भी देखे थे हम। तुरंत मेरा प्लेलिस्ट में सॉन्ग चेंज होकर हनुमान चालीसा बजने लगा। तो फिर इसीलिए ऐसा कंडीशन मेरे साथ हुआ, इसलिए हम बता रहे हैं। तो खैर हम लोग इस स्टोरी में ये देखेंगे, यहाँ पे कुछ जो स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, हम आपको कुछ अलग नहीं समझा रहे, ठीक है। ठीक वही सब चीज़ इस स्टोरी में हुआ है। बाहुबली बन के देख रहे हैं, बाहुबली बन के चल रहे हैं, सब कुछ सही है, बहुत बड़े पहलवान है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तो भाई आदर्श सही है, वो हैं, समझ रहे हैं अपने आप को। अरे काहे का आदर्श तेल लेने गया, जब बिजली कड़कता है सडनली भूत का शो देखने टाइम तक, तो आदर्श तो छोड़ दीजिए, हम बच रहे हैं वही बहुत बड़ा बात है। वही कंडीशन इस पोयम में जो कैरेक्टर है उनके साथ हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रस्किन बॉन्ड की स्टोरी फेस इन द डार्क समरी में क्या कहा गया है, एक काले संक्षिप्त में कहानी आपको बताया गया है कि काले अंधेरे, अब अंधेरा काला ही होता है मुझे पता है, एक काला अंधेरा मतलब किस तरीके से एक छोटे संक्षेप में डिस्क्राइब किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। इन द स्टोरी मिस्टर ओलिवर, इस स्टोरी के जो कैरेक्टर हैं, याद रखिएगा कभी भी कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हो आप, कोई भी फिक्शन पढ़ रहे हो आप, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं वो आपको जान लेने हैं, उसमें उस स्टोरी का थीम क्या है, अगर वो पोयम है तो पोयम का थीम क्या है, स्टोरी है तो स्टोरी का थीम क्या है, फिक्शन है तो फिक्शन का थीम क्या है, ठीक है, 2 चीज़ हुआ। थर्ड पॉइंट क्या है कि मेन कैरेक्टर कौन है उसमें, मेन कैरेक्टर कौन है, कैरेक्टर तो है भाई सब है, कुत्ता बिल्ली सब कैरेक्टर मान लीजिए हुआ कहीं पे भी कोई भी स्टोरी में, मेन कैरेक्टर क्या है वो थर्ड पॉइंट। चौथा उसका कहने का थीम तो वो तो हो गया, पहले ही हो गया,
अब उसका राइटर का नाम भी आपको जानना है, राइटर तो आपको सबसे पहले जानना होगा। एंड द लास्ट आपको क्या जानना है कि आप उस स्टोरी से, उस हर एक पॉइंट से क्या समझ रहे हो, व्हाट वाज द कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन, यू हैव टू नो दैट। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इन द स्टोरी मिस्टर ओलिवर द प्रोटोगनिस्ट इज एन एंजलो इंडियन टीचर इन द इंग्लिश पब्लिक स्कूल एट शिमला। ये स्टोरी है शिमला की, याद रखिएगा ये स्टोरी किस बेस पे है वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। स्टोरी कहाँ का है, कैरेक्टर क्या है, मेन कैरेक्टर कौन है, थीम क्या है, राइटर क्या है, ये इतने इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट्स होते हैं कि इसी में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए रुस्किन बॉन्ड का इस फेस इन द डार्क समरी लिखने का क्या रीज़न था। रुस्किन बॉन्ड ने ये फेस इन द डार्क समरी में ऐसा क्या इम्पोर्टेंट क्लू दिया, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट बात बताया जो हमारे रियल लाइफ से रिलेट करती है, क्वेश्चंस पूछ सकता है इस तरीके से। इसीलिए कह रहे हैं कि उसका थीम हर एक चीज़ आपको समझना है, ठीक है। इन द स्टोरी मिस्टर ओलिवर द प्रोटोगोनिस्ट इज एन एंजलो इंडियन टीचर इन द इंग्लिश पब्लिक स्कूल एट शिमला। शिमला के किसी स्कूल है, शिमला का कोई स्कूल है, पब्लिक स्कूल है शिमला का, ठीक है। वहाँ के एक टीचर मिस्टर ओलिवर के बारे में रुस्किन बॉन्ड ने बताया, ठीक है। आप भी कोई स्टोरी लिख सकते हो उसमें, आप हम लोग भी देखते हो स्टोरी सुनाते हैं तो राजा रानी कह देते हैं, वैसे ही मिस रुस्किन बॉन्ड ने एक कैरेक्टर उठाया, कैरेक्टर का नाम है मिस्टर ओलिवर जो कि एक टीचर है, और वो टीचर कहाँ के हैं, पब्लिक स्कूल शिमला के, ठीक है, विच इज़ 3 miles डिस्टेंस फ्रॉम द शिमला बाजार। और जैसे कि हम लोग के बहुत जगह क्या है कि स्कूल वगैरह जो होगा वो बहुत दूर दूर होता है हमारे घर से, मार्केट से, तो ये जो स्कूल था ये भी स्कूल बहुत दूर था, ठीक है, 3 miles दूर था मार्केट से, ये स्कूल दूर था, दैट मीन स्कूल बहुत अंदर में था, ठीक है। अंदर कहने का मतलब है वो सुनसान जगह पे था। द स्कूल इज ऑफ्टन रिफर्ड एज इटॉन ऑफ द ईस्ट, मतलब एकदम कोना में, जैसे बोलते ना अरे तो पूर्वी का सब, पूर्वी छोर के लास्ट में है, वो उत्तरी छोर के लास्ट में है, ये वर्ड ऐसे नहीं यूज़ करते, अरे पूरब की ओर चल जाओ एकदम कोना में है, उसी तरीके से एकदम पूर्व की ओर कोने में ये स्कूल था। बिकॉज इट्स नेम इज साइनोनाइम्स विद क्वालिटी एलिट एजुकेशन, मिस्टर ओलिवर इज अ रेशनल एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। देखिए चूँकि भाई स्कूल का तो नाम है, अब भाई पर्सनैलिटी है स्कूल की, तो उसी तरीके से वो भी जो उस स्कूल की पर्सनैलिटी को देखते हुए मिस्टर ओलिवर क्या थे, उस स्कूल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाले हुए थे। उनका ये कहना था कि मेरे स्कूल का बहुत अच्छा, सब ऑब्वियस बात है हर स्कूल की अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ होती है, हर स्कूल के कैरेक्टर्स की अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ होती है, इनकी भी पर्सनैलिटीज़ थी। और एक चीज़ कहेंगे यहाँ पे कि वो बहुत मेंटली स्ट्रांग पर्सन थे, ठीक है। ही डज नॉट ईजली गिव अवे टू नर्वसनेस एंड इमेजिनेशन, उनको इतना आसानी से वो अपने इमेजिनेशन की वजह से भटकते नहीं थे, वो नर्वस नहीं होते थे किसी चीज़ को लेके। ही यूजली गॉट आफ्टर स्कूल टू द शिमला मार्केट रिटर्न बैक इन द इवनिंग, वो आराम से चले जहाँ लोग दूर दूर तक अंधेरा में जाने से डरता था, वो आराम से जाते थे स्कूल, इवनिंग हो जाता था उनको स्कूल से आते आते, फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, दे डोंट केयर अबाउट इट। वन डे वाइल मिस्टर ओलिवर वॉज रिटर्निंग फ्रॉम शिमला, एक दिन क्या हुआ कि मिस्टर ओलिवर शिमला से रिटर्न हो रहे थे, उन्होंने उनको आने में बहुत लेट हो गया, क्वाइट लेट का मतलब होता है काफ़ी लेट हो गया, ठीक है। ये वो उन्होंने डिसाइड किया कि अरे अब तो ये लॉन्ग कट वाला रास्ता लेंगे तो हो सके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक काम करता हूँ मैं साइड से ये जो रास्ता जा रहा है शॉर्टकट रास्ता, इधर से निकल के चल जाता हूँ, बहुत ईजिली पहुँच जाऊँगा और जल्दी भी पहुँचूँगा एज़ कम्पेयर टू वो लॉन्ग वाले रास्ते के, ठीक है। आप लोग इमेजिन कीजिए कि हम स्टोरी कैसे बता रहे हैं, हम जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं ना स्टोरी को इमेजिन करते जाइए, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चंस का मतलब, उसका कंक्लूजन, हर चीज़ आपको खुद आप निकाल लोगे, बस आप इमेजिन कीजिए हम जो कहानी सुना रहे हैं आपको, ठीक है। सडनली ही कम्स अक्रॉस ए व्हीपिंग बॉय हु वाज सिटिंग विथ हिज हैंड्स कवरिंग हिज फेस एज पर हिज ड्यूटी एज अ टीचर, ही आस्क्ड द चाइल्ड द रीज़न फॉर क्राइंग। अब क्या हुआ, जैसे वो आ रहे थे, मान लीजिए आप मिस्टर ओलिवर हो, आप रास्ते में जा रहे हो, स्कूल से रिटर्न आ रहे हो, आपने क्या देखा कि चलो अरे रास्ते में एक बच्चा बैठ के रो रहा है, क्या बात है भाई काहे रो रहा है ये बच्चा बैठ के, तो वो रो रहा था, उन्होंने दूर से ही चिल्लाया अरे कौन है वहाँ पे, क्यों रो रहे हो, क्या बात है, अब वो कुछ बोला ही नहीं, जैसे आराम से जैसे बैठ के नहीं रोया जाता है ज़मीन पे, वैसे वो रो रहा है चुपचाप मुंडी नीचे करके, जैसे हम लोग बेंच पे मुंडी करते हैं। आपने उससे कहा, आप मिस्टर ओलिवर हो, आपने उससे कहा भाई क्या बात है क्यों रो रहे हो, आप तो टीचर है भाई, तो टीचर की ड्यूटी बनती है कि अगर कोई बच्चा रो रहा है उससे पूछें, अपना ड्यूटी आपने निभा रहे थे आप। अब क्या हुआ आगे देखिए, ही रिपीट्स, वो बार बार रिपीट कर रहे अपने क्वेश्चन को,
फिर क्या हुआ, द बॉय लिफ्टेड हिज फेस एंड द टीचर फील्स विद हॉरर टू फाइंड दैट द बॉय हैड नो फीचर्स, नो आईज, नो माउथ। इमेजिन कर रहे हैं आप, आपने जैसे उसके, आप जैसे उसके करीब गए, आपने देखा क्या, अरे इसका तो मुँह नहीं है, इसका आँख ही नहीं है, इसका कोई उसका कोई फेस का स्ट्रक्चर ही नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब समझिए जहाँ पे फेस होता है वहाँ पे ब्लैंक है, कुछ नहीं है। आपको लग गया सदमा, आप इमेजिन कीजिए आप दौड़ के भाग लिए, ठीक है। टीचर स्टिक इन मिस्टर ओलिवर रन टूवर्ड्स हिज स्कूल, ऑन द वे ही इनकाउंटर्स ए वॉचमैन स्विंगिंग ए लैंटर्न। अब क्या हुआ, देखा क्या कि उन्होंने, अब बेचारा कहाँ से स्कूल जाएंगे। देखिए अब वो स्कूल, ये स्कूल है, स्कूल से निकल रहे थे, रास्ते में इस बच्चा को देखे, उनका घर इधर से होके गुजर रहा था घर की ओर, अब वो बेचारा यहीं पे खड़ा हुए, इसको देख लिए, अब इसको देख लिए वापस रिटर्न स्कूल के तरफ निकल लिए। अब उनको जो रास्ता, अब भाई डर लग रहा है तो जो रास्ता दिखेगा उधर ही ना भागेंगे, अब हमको रास्ता दिख रहा है, वो डर से तुरंत आप उधर भाग लिए, स्कूल की तरफ उल्टा भाग लिए। उन्होंने देखा एक आदमी है लालटेन लटका के स्कूल तरफ, वॉचमैन है स्कूल का, वो चुपचाप खड़ा है, ठीक है। ऑन सीइंग हिज हिम रनिंग द वॉचमैन आस्क हिम व्हाट द रीज़न वॉज, क्या रीज़न है आप इतना इस तरीके से दौड़ रहे हैं, क्या रीज़न है। मिस्टर ओलिवर टेल्स हिम दैट ही सो ए बॉय विथ नो फेस, उन्होंने कहा, आपने कहा क्या कि अरे ये क्या मतलब, मैंने एक ऐसा बच्चा को देखा ना कि जिसका मुँह ही नहीं है, चेहरा ही नहीं है। द वॉचमैन देन आस्क हिम इफ द बॉय लुकड लाइक हिज एंड ही अराइजेज ए लैटिन टू हिज फेस, टू मिस्टर ओलिवर्स हॉरर द वॉचमैन टू हार्ड ऑन नो फेस नो आइज नो ईयर्स एंड नो फीचर, डेट मोमेंट वाइंड ब्लू एंड द लैम्प वेंट आउट। द स्टोरी एंड्स विद अ सेंस ऑफ एम्बिजिटी लिविंग द रीडर्स टू थिंक वेदर इट वेयर एक्चुअली घोस्ट और सम प्रैंक प्लैंड अपॉन द टीचर्स बाई हिज स्टूडेंट। अब इमेजिन कीजिए यहाँ पे, देखिए कितना मजेदार लाइन है। आप मिस्टर ओलिवर हो, हम पहले ही बोल दें कि आप अपने आप को मिस्टर ओलिवर सपोज करो, तब आपको स्टोरी बहुत मज़ेदार लगेगा और रियलिटी भी लगेगी उसमें। आपने क्या देखा, आप दौड़ के स्कूल की तरफ भागे, बहुत मज़े से भागे आप स्कूल से, मज़े से क्या भागे, डर से भागे, टेंशन में भागे कि भाई जान बचाओ। आप जैसे भागते हो स्कूल की तरफ रिटर्न, आपको तो पता नहीं है कि आप स्कूल की तरफ ही जा रहे हो, पहली बात ये, क्यों नहीं पता है भाई हमको, हमको तो पता है कि वो स्कूल, अरे डर से पता चलता है, जो उल्टा डायरेक्शन में उसी में भाग लिए, जहाँ जगह अब आगे कोई भूत खड़ा है तो आगे ही थोड़ी जाएंगे, पीछे ही ना भागेंगे, पीछे आप भाग लिए, अब भागे स्कूल की तरफ, आप अब स्कूल की तरफ गए, वॉचमैन वहाँ लालटेन लेके खड़ा है, लालटेन लेके वो जला के खड़ा है, आपने अब लालटेन साइड में उसके जड़ा जला हुआ है, अब आपने उससे वो पूछा आपसे रीज़न, क्या बात है भाई, आप दौड़ क्यों रहे हो, क्या बात है। आप कह दिए कि अरे आप जानते हो क्या हुआ, हम रास्ते में जा रहे थे, एक बच्चा को देखे, उसका मुँह नहीं है, उसका फेस ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं, कुछ है ही नहीं है। अब जैसे लालटेन का लाइट उसके फेस पर पड़ता है, आप अब गए। आपका हालत खराब, ठीक। अब क्या हुआ भाई, अब तो वो गया, अब तो उसको कुछ समझ में नहीं, अब तो वो लालटेन भी बुत गया, जैसे आपने देखा कि तो वॉचमैन भी नहीं है, इसका भी फेस नहीं है, इसका भी आंख नहीं है, इसका भी कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। अब वो जैसे लालटेन उस जैसे आपको उस दिख गया कि ये भी रियल नहीं है, तुरंत लालटेन फूट गया और आप वहाँ पर डैमेज होकर बेहोश हो गए। तो अब बताइए ये स्टोरी ये कहता है कि ये स्टोरी है क्या, ये स्टोरी ये कहता है मिस्टर ओलिवर के थ्रू ये कह रहे हैं राइटर कि आखिर भूत है कौन, क्या वो बच्चा भूत है या फिर ये वॉचमैन भूत है या फिर भूत हमारे दिमाग में है, भूत है कहाँ, वेयर इज घोस्ट, इज इट इन दैट बॉय, इज इट इन वॉचमैन या फिर इन आवर माइंड, भूत कहाँ है, इमेजिनेशन कहाँ है, रियलिटी है कहाँ, भूत रियल में है हमारे सामने या फिर हमारे अंदर भूत था। अगर हम नहीं डरे होते तो हमको हर जगह भूत नहीं दिखता। हम पहले ही आपसे कह रहे थे कि आप मिस्टर ओलिवर हो, आप अपने आप को सपोज करो, अगर हम कभी भी डरे रहते हैं ना तो एक बिल्ली भी कूदेगी तो लगता है कि भूत चुड़ैल कूद गई है घर में। हम मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बता रहे आपको, लेकिन अगर आप नहीं डरे हो तो आप सामने वाले करें बट बिलाई से डर रहा है, चूहा से डर रहा है, ऐसे बोल देते हैं हम लोग, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर हम पहले से डरे हुए, डैट मीन भूत हमारे अंदर है, हम भूत बाहर नहीं था पहले, भूत हमारे अंदर हुआ, रियलिटी थी भाई, डरे हम लोग, लेकिन अगर हमको डर नहीं लगता तो क्या हम उस बच्चे को देख के डर के भागते। अब आप कहिएगा क्या बात कर रही हैं मैम, आपके सामने भूत को रात में खड़ा कर देंगे तो आप इमेजिनेशन देखेंगी कि भागेंगी, ऑब्वियस बात है भागेंगे, नो डाउट। लेकिन ये स्टोरी ये कहने का मतलब है, ये स्टोरी के थ्रू राइटर ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले डर हमारे अंदर है। अगर हमारे टाइम उसी टाइम आ जाता कि भूत होता ही नहीं है, कुछ वैसा होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो हो सके हमें इतना डर नहीं लगता,
हमें इतना डर नहीं लगता जितना डर हमें अभी लगा है, ठीक है, तो उतना डर हमें नहीं लगता। तो यही स्टोरी का मेन पर्पस था, कि क्या मेन पर्पस था भाई, कि हाँ कि इस चीज़ से ऐसे हुआ कि हाँ भाई चलो यहाँ ये चीज़ समझ में आया कि मतलब सबसे पहले अपने अंदर के ये को हमको शांत करना पड़ता है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी यही था, मॉरल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी दैट एवरी नन वॉन्टेड थिंग्स, जो जो चीज़ ज़रूरी नहीं है, चाहे वो फियर हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, सबसे पहले हमारे माइंड में डेवलप करती है। अगर आप पॉजिटिव हो दैट एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, इफ़ यू आर नेगेटिव देन एवरीथिंग विल बी नेगेटिव, एवरीथिंग लुक लाइक अ नेगेटिव थिंग्स, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू थिंक दैट, यू हैव टू मेंटेन योर मेंटल सिचुएशन, बी पॉजिटिव, क्लियर है। उसके बाद उन्होंने इस छोटे से शॉर्ट स्टोरी से इतना बड़ा सीख ये दिया हम लोगों को कि हम अगर अपने मेंटल स्थिति को सही थोड़ा कर लेते हैं तो हो सके हमें प्रॉब्लम्स, हाँ हो सके प्रॉब्लम रियल हो, लेकिन प्रॉब्लम से लड़ने का ताकत मिलेगा, फाइट करने की पावर मिलेगी हमें, ठीक है। हम लोग ऐसे प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, हो सके प्रॉब्लम से हम लोग क्या करेंगे, फाइट करेंगे। समझ में आया? तो बताइए कमेंट में स्टोरी कैसा लगा, मिस्टर ओलिवर बनके कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरीज़ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।